Hello everyone, how are you all? Okay, let's start our first chapter, Physical Feature of India. Last class में हमने physical features के बारे में discussion किया था कि India के कितने physical features हैं? जल्दी बताइए. Yes, 6 physical features हैं. तो एक बार हम छोटा सा recap ले लेते हैं फटाफट से कि कौन-कौन से physical features हैं हमारे India के. ये जो map दिख रहा है आपको, ये India का map है. देखिए सबसे पहले नंबर वन पे मैं फिंगर कर रही हूँ जहाँ पे ब्राउन कलर. ये हमारा कौन सा फिजिकल डिवीज़न है या फिजिकल फीचर है हमारे इंडिया का? यस, नॉर्दर्न माउंटेन. नॉर्दर्न माउंटेन के साथ साथ हम इसे हिमालयन रेंजेस भी बोलते हैं. अब देखिए जो सेकंड नंबर पे है ग्रीन कलर का, इसको बोलते हैं हम नॉर्दर्न प्लेन्स. ये वाला जो है पार्ट, ये ग्रीन कलर का, ये है नॉर्दर्न प्लेन्स. एक जगह मैं फिंगर रखूंगी आपकी यहाँ पे. ये इंडिया का पार्ट नहीं है. इसके अंदर नॉर्दर्न माउंटेन्स या आप यूँ कह लीजिए हिमालयन रेंज आती हैं, लेकिन ये इंडिया का पार्ट नहीं है. दैट इज़ नेपाल. ये एक अलग कंट्री है जो इंडिया के अंदर नहीं है. ये एक अलग कंट्री है. ये जो पार्ट दिख रहा है, ये पार्ट दिख रहा है, ये सारा इंडिया के अंदर है, लेकिन ये नेपाल है, डिफरेंट कंट्री है. नेक्स्ट नंबर थ्री. नंबर थ्री लाइट येलो कलर का पार्ट दिख रहा है आपको, इंडिया के वेस्ट में. यस, दिस वन. कल डायरेक्शंस की थी, याद है ना आपको? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट. नंबर थ्री जो फिजिकल फीचर है हमारा, ये है थार डेजर्ट. इसे थार डेजर्ट भी बोला जाता है, वेस्टर्न डेजर्ट भी बोला जाता है, और द ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी बोला जाता है. क्योंकि इंडिया में जो डेजर्ट है, हॉट डेजर्ट जिसे हम बोलेंगे, वो यहीं पे है. नंबर फोर. नंबर फोर पे आपको थोड़ा डार्क येलो कलर का पार्ट दिख रहा है. यस, ये आपका है प्लेट्यू. अब डार्क ग्रीन कलर का पार्ट जो इंडिया के वाटर बॉडीज़ के किनारे पे है, जिसको हम क्या और बोलते हैं? कोस्टल एरिया. यस, तो इनका नेम क्या हुआ इस फिजिकल फीचर का? कोस्टल प्लेन्स. वेरी गुड. अब देखिए बिल्कुल छोटी छोटी सी डॉट्स आपको दिख रही होंगी ऑरेंज कलर की, ये क्या है? ये इंडिया का 6 फिजिकल फीचर है जिसको हम बोलते हैं आइलैंड. इनको आइलैंड क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये चारों तरफ पानी से घिरे हुए हैं. नाउ अब आपका एक छोटा सा जो रिकैप है ये कंप्लीट हो गया है. 6 फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया. नॉर्दर्न माउंटेन. नॉर्दर्न माउंटेन इन्हें क्यों बोला गया है? क्योंकि ये इंडिया के नॉर्थ में है, इसीलिए इन्हें नॉर्दर्न माउंटेन बोला जाता है. साथ ही साथ इन्हें हिमालयन रेंजेस भी बोला जाता है. अब नेक्स्ट है आपका नंबर टू, नॉर्दर्न प्लेन, वेस्टर्न डेजर्ट, प्लेट्यू, कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड्स, अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप. अब आपको एक होमवर्क करना है. आपको क्या करना है, आपकी जो पुरानी सोशल स्टडी की बुक है उसको लेके आपको उन्हें इसी तरीके से कलर करना है. उसमें इंडिया के मैप को इसी तरीके से कलर करना है, ठीक है? ताकि आपको पता चल जाए, एक छोटी सी प्रैक्टिस भी हो जाए कि मैप को कैसे किया जाता है, साथ ही साथ उसके कौन कौन से 6 फिजिकल फीचर्स हैं. अब आज जो हम स्टडी करने जा रहे हैं जिस फिजिकल फीचर के बारे में, वो है आपका नॉर्दर्न माउंटेन, मतलब नंबर वन. और इस चैप्टर में हम 3 फिजिकल फीचर्स के बारे में ही स्टडी करेंगे. नंबर 1, 2 एंड 3, मतलब नॉर्दर्न माउंटेन, नॉर्दर्न प्लेन्स एंड वेस्टर्न डेजर्ट और थार डेजर्ट. नॉर्दर्न माउंटेन्स और द हिमालयन रेंजेस. हिमालय, ये वर्ड हमें संस्कृत लैंग्वेज से मिला है. जैसे इंग्लिश लैंग्वेज है, हिंदी एक लैंग्वेज है, वैसे ही संस्कृत भी एक लैंग्वेज है. उससे हमें ये वर्ड मिला है. उसके दो वर्ड से मिलकर ये वर्ड मिला है. हिम आले. हिम जिसका मीनिंग है स्नो, आले जिसका मीनिंग है अबॉड, और होम, होम भी बोल सकते हैं, मीनिंग अबॉड ऑफ स्नो. नाम से पता चल गया होगा कि हिमालय का मीनिंग क्या है. एक ऐसी जगह है जो बर्फ का घर है. चलिए अब नेक्स्ट पे आते हैं. अब देखते हैं कि इंडिया में नॉर्दर्न माउंटेन या फिर हिमालयन रेंजेस कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है. ये देखिए मेरी जो फिंगर दिख रही है, जम्मू कश्मीर से लेके ईस्ट में हम जाएंगे तो यस, अरुणाचल प्रदेश तक हमारा हिमालय फैला हुआ है. अब बात करते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक,
ये पूरा यहां से लेके यहां तक, मतलब वेस्ट से लेके पूरा ईस्ट तक। वैसे नॉर्दर्न माउंटेन नॉर्थ में है, लेकिन हिमालय माउंटेन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक तरीके से गार्ड का काम करता है हमारे नेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब मैं आपको बताती हूँ कैसे। ये देखिए, ज़्यादातर जो अटैक हुए हैं इंडिया पे वो इस डायरेक्शन से हुए हैं, इस डायरेक्शन से नहीं, क्योंकि इस डायरेक्शन से अटैक करने के लिए इस वॉल को, या कह लीजिए नॉर्दर्न माउंटेन्स को क्रॉस करना पड़ता है। वर्ल्ड की 10 हाईएस्ट पीक में से 9 हाईएस्ट पीक और वर्ल्ड की नंबर 1 हाईएस्ट पीक नॉर्दर्न माउंटेन्स के अंदर ही आती है। एज वेल एज नॉर्दर्न माउंटेन हमारी कोल्ड विंड से भी प्रोटेक्शन करता है। यहाँ से, इस डायरेक्शन से देखिए, कोल्ड विंड्स आती हैं। अगर हिमालय माउंटेन नहीं होता तो अब तक ये जो एरिया है जहाँ स्पेशली हम रहते हैं वो एरिया जम जाता बर्फ़ से। उसके अलावा नॉर्दर्न माउंटेन मॉनसून को भी रोकने में बहुत हेल्प करता है। जून जुलाई में जो मॉनसून आता है, यस, वो इस डायरेक्शन से उठ के आता है और क्या करता है, वो यहाँ पे बारिश करता है बिकॉज ऑफ दीज माउंटेन रेंजेस। आपको मैं बताती हूँ एक एग्जाम्पल के तौर पे कैसे। अब इस कैलेंडर को ध्यान से देखिएगा, ये कैलेंडर एक तरीके से माउंटेन जैसा है, ठीक है, दिख रहा है आप सबको, यस। अब जो मेरा हैंड है इसे क्लाउड मान लीजिए, ठीक है। अब क्लाउड जो है वो स्काई में रहते हैं और इजीली वो फ्लोट करते हैं विंड की डायरेक्शन से, ठीक है। अब ये फ्लोट कर रहे हैं, जैसे वो माउंटेन दिखा तो वो उन्होंने वो क्या हुआ, टक्कर खा के या तो वापस आएंगे या वहीं पे ही रुक जाएंगे, वो इस डायरेक्शन में नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये एक तरीके से वॉल का काम कर रहा है। और अगर ये वॉल ना हो, माउंटेन ना हो, तो क्लाउड क्या होगा, धीरे धीरे विंड की डायरेक्शन से उड़ के चले जाएंगे। तो सेम ये भी वही काम करते हैं, जो मॉनसून यहाँ से आता है उसको रोकते हैं और यहाँ पे उसकी वजह से रेन होती है। रीजन और एरिया, अब देखते हैं कि हिमालयन माउंटेन रेंजेस जो हैं कौन कौन से रीजन में आती है इंडिया के। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम। सिक्किम ये वो प्लेस है जहाँ पे इंडिया की हाईएस्ट पीक है, जिसका क्या नेम है, कंचनजंगा। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, लिटिल बिट इन असम एंड वेस्ट बंगाल ऑल्सो। तो ये तो हो गए इंडिया के। नेपाल एंड भूटान, इसमें भी आता है हिमालयाज, लेकिन ये अलग कंट्रीज है तो इसको हम इंडिया के अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे। ये इंडिया का एरिया है जो मैंने आपको बताया कि जिसके अंदर हिमालयंस रेंजेज आती हैं। हिमालयाज को 3 बेल्ट्स में डिवाइड किया गया है। ये देखिए पूरा आपको एरिया दिख रहा है, ये पूरा हिमालयाज का एरिया है, या नॉर्दर्न माउंटेन आप बोल लीजिए। इसको 3 बेल्ट में डिवाइड किया गया है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। नंबर 1 ये एक ऐसी बेल्ट है जिसमें हाईएस्ट पीक, जो वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक है, मिलती है इधर। साथ के साथ ये एक ऐसी बेल्ट है जो हमेशा स्नो से कवर रहती है, हमेशा यहाँ पे बर्फ़ रहती है और ग्लेशियर्स भी मिलते हैं यहाँ पे। आगे हम बात करेंगे पीक के बारे में, माउंटेन के बारे में, रेंजेस के बारे में, ग्लेशियर्स के बारे में, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ ये एक ऐसी बेल्ट है जिसमें हमेशा स्नो रहती है। इस बेल्ट का नेम है हिमाद्री और ग्रेटर हिमालय। इसे हिमाद्री भी बोला जाता है और ग्रेटर हिमालय भी बोला जाता है। नेक्स्ट, सेकेंड नंबर की जो बेल्ट है, इसमें ज़्यादातर जो हिल स्टेशन है, स्पेशली शिमला, आपका कुल्लू मनाली, ये सब इस बेल्ट के अंदर अंडर आते हैं। इस बेल्ट को जो नेम दिया गया है, दैट इज हिमाचल और लेसर हिमालय, ठीक है। नंबर 3, ये धीरे धीरे डिक्रीज भी हो रही है बेल्ट, मतलब यहाँ पे बहुत हाईएस्ट पीक हैं, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स हैं, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे डिक्रीज हो रहे हैं माउंटेन। फिर यहाँ पे बिल्कुल माउंटेन नहीं रहता है, यहाँ पे हिल्स बच जाती हैं, शिवालिक, इसमें हिल्स मिलती हैं। ज़्यादातर जो ऑर्किड्स हो गए, फ्लावर के जंगल हो गए, और आप ये कह लीजिए फ्लावर्स
फ्रूट्स के बाग हो गए, ये इस एरिया में ज्यादातर मिलता है। नंबर थर्ड जो बेल्ट है उसका नेम है शिवालिक, या फिर इसको बोला जाता है आउटर हिमालय। अब एक और चीज़ है जो फोर्थ बेल्ट भी मानी जाती है, लेकिन ये फोर्थ बेल्ट इंडिया के अंडर नहीं आती है, ये इस एरिया में मिलती है। इसको बोलते हैं तिब्बतियन बेल्ट या तिब्बतियन हिमालय। आप लोगों को पता चल गया होगा कि धीरे धीरे 1, 2, 3 बेल्ट, ये सबसे ऊंची बेल्ट है, उसके बाद हाइट डिक्रीज हो रही है नंबर 2, फिर उसके बाद नंबर 3 पे और ज़्यादा डिक्रीज हो जाती है हाइट। तो मतलब नॉर्थ से साउथ में जाते हैं, जब हम बेल्ट की नॉर्थ से साउथ में जा रहे हैं, बेल्ट की नॉर्थ टू साउथ, तो जो हाइट है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अब मैं आपको बताती हूँ रेंजेस, जैसे अभी हमने बात की थी रेंजेस, रेंजेस क्या होते हैं, माउंटेन रेंजेस क्या होती हैं, ये देखिएगा ध्यान से, ये मैं माउंटेन ड्रॉ कर रही हूँ एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक माउंटेन जो है लगते चले जा रहे हैं, तो दैट इज माउंटेन रेंजेस। अब बात आती है माउंटेन सिंगल, सिंगल माउंटेन को हम माउंटेन बोलते हैं, पीक दैट पार्ट, टॉपेस्ट पार्ट ऑफ माउंटेन। हिल्स, हिल्स की जो हाइट है वो माउंटेन से कम होती है, ठीक है, तो ये होती हैं हिल्स जिनकी हाइट माउंटेन से बहुत कम होती है। हम बात करेंगे सबसे फर्स्ट नंबर की जो बेल्ट है उसके बारे में, मतलब नंबर 1 दिस बेल्ट, ठीक है, हिमाद्री। ये देखिए हाईएस्ट पीक, वर्ल्ड की नंबर 1 हाईएस्ट पीक, जिसका नेम है माउंट एवरेस्ट, जिसकी हाइट है 8848 मीटर। ये कहाँ पे मिलती है, यस दिस बेल्ट, या फिर हम ये कह लीजिए इस बेल्ट में, ठीक है। कंचनजंगा जो कि इंडिया की हाईएस्ट माउंटेन है, जिसकी हाइट है 8586 मीटर, ये कहाँ पे मिलती है, यस इस बेल्ट में, नंबर 1 वाली बेल्ट के अंदर, ठीक है। अब मैं आपको कंचनजंगा बताती हूँ कहाँ पे है, मैं थोड़ा क्लोजअप लेके जा रही हूँ, देखिए कंचनजंगा, और आपको मिली कंचनजंगा है सिक्किम में, इंडिया के है अंडर, और माउंट एवरेस्ट है नेपाल में, देखिएगा यहाँ पे, ये हियर द माउंट एवरेस्ट, जो वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक है वो है माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा इंडिया की हाईएस्ट पीक है। तो हाईएस्ट पीक जो हैं वर्ल्ड में, कम से कम एटलीस्ट 9 हाईएस्ट पीक्स वो हमारी इस बेल्ट में मिलती हैं, जिस बेल्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं, नंबर 1 बेल्ट हिमाद्री या फिर द ग्रेटर हिमालयाज। देखिए पीक, ये आपके ये माउंट एवरेस्ट की पिक्चर है और ये हमारे कंचनजंगा की पिक्चर है। ये जो बेल्ट है हमेशा स्नो से कवर रहती है, तो जो ग्लेशियर्स हैं, अब आप बात करेंगे कि ग्लेशियर्स होते क्या हैं, मैं आपको शो करती हूँ, ये देखिए ये दिख रहे हैं, यस यू कैन से बर्फ के पहाड़, इनको बर्फ के पहाड़ बोला जा सकता है। ग्लेशियर्स, मूविंग शीट्स ऑफ आइस आर कॉल्ड ग्लेशियर्स, ग्लेशियर्स आर फाउंड इन हिमाद्री। ये कौन सी बेल्ट में मिलते हैं, यस दिस बेल्ट हिमाद्री, फर्स्ट बेल्ट ऑफ हिमालयास, इसके अंदर हमारे ग्लेशियर्स मिलते हैं। आपको पता है जो जितनी भी नदियां हैं स्पेशली नॉर्दर्न प्लेन्स के अंदर, वो कहाँ से आती हैं, और गंगा का पानी इतना चिल्ड क्यों रहता है, क्योंकि जो आइस है वो ही मेल्ट होके वाटर से इधर आ रही है। देखिए देखिए यहाँ पे दिख भी रहा होगा कि वाटर कैसे मेल्ट हो रहा है और ये निकल रहा है। तो जितनी भी मेन रिवर है नॉर्थ की, जैसे गंगा, यमुना, सतलुज, इंडस, आपकी ब्रह्मपुत्रा, ये सभी यहाँ पे जो फर्स्ट बेल्ट में ग्लेशियर्स होते हैं उनसे ही मेल्ट होके आती हैं नॉर्दर्न प्लेन्स में, और जो पानी है हमें स्पेशली इन रिवर्स से ही मिलता है, ये मेन रिवर्स है। ग्लेशियर्स, स्नो और रिवर्स, ये सब आपके मेन इस बेल्ट के अंदर से आते हैं या इस बेल्ट में मिलते हैं। इस बेल्ट में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मिलती हैं, जैसे हम कुछ माउंटेन रेंजेस की बात करेंगे, माउंटेन रेंजेस इस बेल्ट के अंदर हैं, जो मैं आपको बताती हूँ जो इसके अंदर आते हैं, दैट इज़ 1, नंबर 1 इज़ कराकोरम माउंटेन रेंज, ये दिख रही है लाइन,
ये सारे यहाँ पे लगातार एक साथ लगती हुई माउंटेन रेंजेस हैं, कराकोरम माउंटेन रेंजेस, ये आती हैं आपकी नॉर्दर्न माउंटेन के अंदर, ठीक है। और कौन से बेल्ट में? हिमाद्री में। नेक्स्ट है आपका लद्दाख, उसके बाद आता है आपका जास्कर रेंज। ये तीनों रेंज जो आपकी आती हैं हिमाद्री के अंदर आती हैं। तो हिमाद्री में आपके ग्लेशियर्स, स्नो, ठीक है, और क्या मिलता है, यस, हाईएस्ट पीक, माउंटेन रेंजेस लाइक, देखिए इधर, कराकोरम माउंटेन रेंज, नेक्स्ट इज लद्दाख, जास्कर रेंज, ये आपकी किस में आती हैं? फर्स्ट बेल्ट हिमाद्री में। सेकंड बेल्ट है आपकी हिमाचल और लेसर हिमालयाज। अब इसके अंडर जो मेन माउंटेन रेंजेस आती हैं वो मैं आपको थोड़ा इस मैप में क्लियर करके दिखाती हूँ। यस, ये दिख रहा है आपको पीर पंजाल। यस, पीर पंजाल जो माउंटेन रेंज है ये आपकी आती है सेकंड बेल्ट में, सेकंड बेल्ट जिसका नेम है हिमाचल, और जितने भी मेन हिल स्टेशंस हैं वो भी आपके इसी के अंडर आते हैं, पीर पंजाल, और यहीं पे इसके नीचे ही है धौलाधार। ये दो रेंजेस जो हैं मेन, ये आपकी आती हैं सेकंड नंबर की बेल्ट के अंडर। देखिए जितने भी मेजर इंपॉर्टेंट हिल स्टेशंस हैं वो भी आपके सेकंड नंबर की बेल्ट में, जिसका नेम है हिमाचल, वो आ रहे हैं। जैसे शिमला हो गया आपका, रोहतांग हो गया, नैनीताल, मसूरी, मनाली, ये सब आपके कौन सी बेल्ट के अंडर आ रहे हैं? सेकंड नंबर की जो बेल्ट है हिमाचल, उसके अंडर है। मैं सिर्फ नॉर्थ साइड की बात कर रही हूँ। रिलीजियस प्लेसेस, कुछ मेजर इंपॉर्टेंट रिलीजियस प्लेसेस भी सेकंड नंबर की बेल्ट हिमाचल में आते हैं, जैसे आपके केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये देखिए केदारनाथ, बद्रीनाथ, फॉरेस्ट, फॉरेस्ट भी हैं यहाँ पे, बहुत ही घने बड़े फॉरेस्ट भी हैं, पाइन ट्रीज के फॉरेस्ट, ये देखिए, ये एक्चुअली मौसम भी दिख रहा है बिल्कुल आपको, क्योंकि यहाँ पे भी बर्फ भी रहती है और ग्रीनरी भी रहती है। यहाँ पे फुल ईयर आइस नहीं रहती, स्नो नहीं रहती, यहाँ पे ग्रीनरी भी होती है। इट इज नंबर थर्ड, शिवालिक्स, जो नंबर थर्ड की जो बेल्ट है शिवालिक है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, वन से जब हम टू पे आते हैं तो जो हाइट है माउंटेन्स की वो डिक्रीज हो रही है, तो नंबर थ्री पे आते आते, मतलब शिवालिक्स तक आते आते हिल्स बच जाती हैं, माउंटेन्स नहीं रहते हैं, और जो शिवालिक्स के फुट हिल्स हैं, मतलब इस एरिया को तराई भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही दलदली एरिया है, तो इसलिए इसे तराई भी बोला जाता है। बेसिकली वो जो तराई है वो यहाँ पे है, ये दिख रहा है आपको, बॉर्डर है नेपाल का और इंडिया का, यहाँ पे शिवालिक जो बेल्ट है वो सॉफ्ट रॉक, मड और सिल्ट से बनी हुई है, इसलिए यहाँ पे लैंडस्लाइड भी बहुत कॉमन से हैं, कि यहाँ पे लैंडस्लाइड होते ही रहते हैं। अच्छा, अब आपको राइट हैंड साइड में एक मैप और दिख रहा होगा, यस, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये शिवालिक रेंज के अंदर आता है। शिवालिक रेंज में ये एक बहुत ही फेमस हमारा नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट, ये आता है, और आपको दिख भी रहा होगा कि है कहाँ, उत्तराखंड में, यहाँ जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क।